ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आचार्य वाणी पर। और आज का विषय है वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या कुछ जीवन में करने जा रहा है जुलाई के मध्य भाग में। देखिए, वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र महाराज अभी चल रहे थे अस्त, अब होंगे उदय, और उदय होने के बाद परिवर्तन का राशि का योग भी बनाएंगे। और वृषभ राशि में तृतीय द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में जाने का योग बनेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। वृषभ राशि के स्वामी अस्त चल रहे थे, आप इसके कारण से मनोमस्तिष्क में कई प्रकार से कुछ गुंजल भी विद्यमान थी, और कई प्रकार से कुछ कष्ट भी होने के योग चल रहे थे। पूरी तरह से खुलकर काम करने की स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही थी। ये परिवर्तन का योग बड़ा महत्वपूर्ण है। आप समझें, बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से लग्न में विराजमान हो चुके हैं, आपकी राशि में विराजमान हो चुके हैं। शुक्र बहुत सुंदर उदय होने का योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ शनि महाराज आपके राज्य भाव में बैठे हुए हैं, वो भी वक्र स्थिति में जाकर पूरी तरह शक्ति संपन्न हो गए हैं, आपके योग कारक ग्रह। तो ये महत्वपूर्ण समय आपके लिए आरंभ हो गया है। अब खाली बैठने का समय नहीं है, अब पूरी शक्ति से कार्य करने की ज़रूरत है, सही दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। और सही दिशा यदि पकड़ लेंगे तो वृषभ राशि वालों समझ लो वारे न्यारे आप कर सकते हैं। यदि हम बात करें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, तो 1 जुलाई का साथ आरंभ करते हैं। 1 जुलाई में चंद्रवार है, सोमवार का योग है, दशमी तिथि उस दिन विराजमान है, और उस दिन मेष राशि में आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में मंगल के साथ चंद्रमा उपस्थित है। तो ये विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से एक महत्वपूर्ण योग है, लेकिन थोड़े से खर्चे का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कई बार क्या होता है, हम बड़ी बड़ी सोच के साथ साथ अपने खर्चे भी बेइंतहा बढ़ा लेते हैं, और वो हम पे जुर्माना हो जाता है। तो बस इस चीज़ को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए सुबह 10:26 के बाद ही उनमें हाथ डालने का प्रयास किया, उससे पहले भद्रा है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। सोमवार का अवसर है, कोशिश करें आपकी राशि के अनुसार से जो श्रेष्ठ योग बन रहा है देखिए, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का ध्यान करें, दूध का दान करें, तो आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा। आपकी राशि के अनुसार से बात कर रहे हैं हम, 2 जुलाई की मंगलवार का अवसर, और मंगलवार के दिन एकादशी का सुंदर योग बन गया है। इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, और बृहस्पति महाराज जो आपकी राशि के लग्न में राशि में विराजमान है, वहीं आकर चंद्रमा सुबह 11:14 पर योग बना लेंगे। गजकेसरी योग का योग रहेगा, और ये आपके लिए पूरे चारों खानों विशेष तौर पर आपके लाभ देने के योग बनाएगा। कोई भी सामने वाली परिस्थिति आपके विपरीत नहीं रहेगी, आप केवल ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। हर तरह से ग्रह नक्षत्र अब आप ही सोते रहें तो बात अलग है। आने वाले तीन चार दिनों के लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है। बृहस्पति महाराज के साथ चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है, वहाँ शुक्र शनि महाराज आपके दशम भाव में स्वयं विराजमान है, राहु आपके एकादशवें भाव में है, मंगल देखिए मंगल महाराज 12वें भाव में राजयोग कारक का निर्माण कर रहे हैं, और सब ग्रह परिवर्तन के साथ साथ बहुत सुंदर आपके लिए स्थिति कर रहे हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना है, सूर्य की विशेष योग बना हुआ है आपकी राशि के अनुसार से, इन दिनों नेगेटिव मत सोचिएगा। अब भी आप मन में एक थोड़ा सा नेगेटिव सोचेंगे तो फिर कोई रास्ता नहीं है, केवल पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सुबह सुबह योगिनी एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु का सुंदर पूजन कर सुंदर का रूप से आप उनका पूजन करें, और उनको पंचामृत अर्पण करके पंचामृत का चरणामृत ग्रहण कर उनको विशेष तौर पर फिर उनका पूजन जो आपने किया है उसका प्रसाद स्वरूप चरणामृत ग्रहण करके यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। मंगल बहुत प्रबल होकर आपकी राशि में योग बना रहे हैं, तो ऐसे समय गंवाने के नहीं हैं, तो आपको अब जागना पड़ेगा। 3 तारीख का अवसर, जुलाई का योग और बुधवार का योग, उस दिन द्वादशी तिथि उदया तिथि के रूप में विराजमान है, और थोड़ी देर बाद ही त्रयोदशी का आगमन हो रहा है, तो इसलिए शाम को प्रदोष का योग बन गया है, बुध प्रदोष योग। बुध की स्थिति यदि हम देखें तो इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से बड़ी एक अच्छी स्थिति में है बुध, और आप बुध महाराज उदय होकर आपके तृतीय भाव में पराक्रम वाले भाव में विराजमान है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख ये काम क्या करना है, बुध को और शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करना, क्योंकि बुध इस वक्त वाणिज्य के मालिक है, आपकी राशि धन के मालिक हैं। तो ऐसे में क्या करें, सुंदर योग बना है बुध प्रदोष का योग, तो ऐसे में कोशिश करें भगवान शिव का विशेष तौर पर यदि आप अभिषेक कुशोदक के द्वारा करें, आप भगवान शिव का अभिषेक दही के द्वारा करें,
तो आपके लिए समस्त रूप से और सुंदर योग बनेगा। ये देव योग है, इसका लाभ लेते हुए कार्य कर लें। बुद्ध संबंधी कोई भी समस्या जीवन में यदि ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आ रही हो, बहुत ज़्यादा कई बार क्या सब चीज़ स्थिति होती है ना, तो कई बार हाथ पैर ठीक से चलते नहीं है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कमी आ जाती है। सही विचार कई सारे बम्बार्ड होने लगते हैं एक साथ मनोमस्तिष्क में, तो सही चीज़ का चुनाव करने में, उनका टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आ जाती है, और वो बुद्ध की कमजोरी के कारण से आती है। तो ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने के लिए बुद्ध प्रदोष का सुंदर योग विराजमान है, और भगवान शिव का बिल्वपत्र अर्पित करें, दही से भगवान का अभिषेक करें, तो बहुत सुंदर रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। चार तारीख की हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का देखें, त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग भी है, लेकिन चतुर्दशी क्षय हो रही है, लेकिन बृहस्पति चंद्रमा के साथ सुंदर तरीके से विराजमान लगातार चल रहे हैं, और अब परिवर्तन की तरफ भी जाएंगे, लेकिन पूरा दिन चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में आपके लिए लाभ की प्रशस्ति प्रशस्त दिखाई देती है, चिंता ना करें, केवल विश्वास साथ काम करने का प्रयास करें, नेगेटिव बात मत सोचना भैया। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से जिन ग्रहों के साथ चल रहा है वो विचार में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उत्पन्न कर सकते हैं, और वो क्योंकि शुक्र अस्त है, शुक्र अभी जागेगा, तब तक ये ग्रहों का योग अयोग परिवर्तन की तरफ चला जाएगा। तो अब आपको आज सुबह से पॉजिटिव रहते हुए कार्य करना है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन ठीक नहीं है, क्योंकि क्षय तिथि है, चतुर्दशी क्षय हो रही है, और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है, जो सुबह 5:54 से लेकर शाम के 5:25 तक रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, तो ऐसे में भगवान शिव का सुबह सुबह अभिषेक आनंद भाव से करेंगे, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उनका अभिषेक कीजिए, कल्याण होगा, दिन का शुभ बनाने के सुंदर योग बनेंगे। 5 तारीख का अवसर, शुक्रवार का योग, अमावस्या तिथि, शुक्रवार वाली अमावस्या, देखिए बड़ा सुंदर है, और इसी दिन शुक्र उदय हो रहे हैं, शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, शुक्र उदय होने जा रहे हैं, और ये सब गणित आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर बन रहा है। अभी हम कुछ देर पहले कह रहे थे, आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि शुक्र महाराज चल रहे हैं अस्त, अब शुक्र उदय हो रहे हैं, तो ये जो ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं, ये कमज़ोर जो थे ये भी अब शक्ति संपन्न होने जा रहे हैं। तो अब आप आनंद भाव से कन्या पूजन करते हुए थोड़ा सा गरीब कन्याओं को, विशेष तौर पर जरूरतमंद लोगों को खीर का वितरण करें, हो सके तो गौ पूजन करें, पितरों के निमित्त विशेष तौर पर तर्पण करें, और ब्राह्मणों को खीर इत्यादि का भोग लगाएं, खाना दें और उनके आशीर्वाद लें, तो पितरों का भी आशीर्वाद आपके साथ हो जाएगा, और सुंदर योग बनेगा आपके लिए। ग्रह स्थिति परिवर्तन की तरफ जा रही है, आनंद का स्थिति आपके लिए उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि वालों, ग्रह थोड़े अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। 6 तारीख का अवसर, और यदि आप समझें शनिवार का दिन है, लेकिन ये शनिवार जो है बड़ा अद्भुत है, क्योंकि इस दिन गुप्त नवरात्रियों का आरंभ हो रहा है। आषाढ़ मास की प्रतिपदा शनिवार के दिन पड़ रही है, और गुप्त नवरात्र आरंभ होने का योग बना रही है, और ऐसे में चंद्रमा की स्थिति भी आपकी राशि के अनुसार से बड़ी अनुकूल दिखाई देती है। तो ऐसे में यदि आप भगवती दुर्गा की आराधना कर लें, देखिए भगवान राम रावण के युद्ध में भी भगवान ने हनुमान विशेष तौर पर माँ भगवती की आराधना करी थी, प्रातःप्रभम भी माँ भगवती की अशक्ति की उपासना कर आप युद्ध में आगे बढ़ने के लिए, कार्यों में आगे बढ़ने के लिए कई बार आवश्यकता होती है, और आपकी राशि के अनुसार से इतने ग्रह योग के सुंदर ग्रह योग आपके बने हुए हैं, तो ऐसे में गुप्त नवरात्रि का अवसर भी आ गया है, तो पूर्ण लाभ लेने के लिए आप उनकी सुंदर आराधना करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते या उमायम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे। हमारे यहाँ तो हमने विशेष यज्ञ रखा है इन 9 दिनों में, गुप्त नवरात्रि का विशेष तौर पर यज्ञ रखा गया है, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ नित्यपति चलेगा, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे आश्रम की तरफ सुंदर व्यवस्था है, अपने स्थान को आरक्षित करके योग्य ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर तरीके से इस नवरात्रि के यज्ञ में, देखिए ये गुप्त नवरात्रि है, चुपचाप मनोकामना सिद्धि के लिए माँ भगवती के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए यज्ञ इत्यादि कर पुण्य कर पुण्यों को जगाने के लिए, भाग्य को जगाने के लिए कार्य करना चाहिए। चैत्री नवरात्र, शारदीय नवरात्र पंप एंड शो के साथ चलते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ सुंदर माँ भगवती की उपासना होती है, लेकिन यहाँ चुपचाप गुप्त रूप से नित्यपति भगवान की आराधना करें, दुर्गा जी की विभिन्न स्वरूपों का पूजन करें, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे आपको लाभ ना प्राप्त हो। ग्रह इतने सुंदर हैं, वारे न्यारे कराने चाहते हैं, माँ भगवती का सानिध्य ले लीजिए, बहुत सुंदर आपके लिए लाभ के योग बनेंगे, बहुत सुंदर योग बनेंगे। ये समय शनि महाराज का हमने कई बार बताया आपको, बहुत सुंदर चल रहा है, इसमें पुण्यों को जगाने का प्रयास करें, यदि पुण्य जाग जाएंगे तो कहाँ से कहाँ समय पहुँच जाएगा। 7 तारीख का अवसर, शनिवार रविवार की तिथि द्वितीय तिथि है, और इस दिन कर्क में शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके नए कुछ संयोगों को उत्पन्न करेगा, लोगों को साथ आपके जोड़ेगा, नए लोगों का साथ आपको मिलता दिखाई देगा, और ये जब साथ मिल जाता है, एक और एक दो नहीं होते, 11 हो जाते हैं, चाहे परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त हो। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान ये रखें कि केवल अपनी अपनी ना चलाएं,
कई बार जब समय अच्छा होता है ना, स्वाभिमान इतना होते हो जाता है कि हम अपनी अपनी चलाने लगते हैं। इस वक्त सबको साथ लेके यदि चल लेंगे तो एक और एक, एक नहीं पुनः समझा देता हूँ, एक और एक 11 हो जाते हैं। क्या परिवार वाले, क्या जीवन साथी, क्या सबके बारे में ध्यान रखें। आपके जीवन साथी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त, उनकी बात भी सुनिएगा और उनकी स्वाद सुनकर उनका मानते हुए बात कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेंगे। इस दिन चंद्र दर्शन करने का योग है। कृतिका नक्षत्र में मंगल प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य के नक्षत्र में उच्च के होकर, विशेष जहाँ जहाँ सूर्य उच्च के हो जाते हैं उस राशि के साथ संबंध बनता है, तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट योग बन रहा है। ध्यान रखते हुए शाम को माता पिता का दर्शन करें, चंद्र का विशेषतः दर्शन करने के बाद गौ पूजन, माता पिता का, बड़ेजन का, गुरुजन का आशीर्वाद लें तो देखिएगा और लाभ के योग बनेंगे आपकी राशि के अनुसार से। 8 तारीख का अवसर, सोमवार का दिन, तृतीया तिथि है उस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें आपकी राशि के अनुसार से, कर्क राशि में चंद्रमा आपकी उपस्थित हैं। कर्क राशि में शुक्र, कर्क राशि में चंद्रमा, कर्क राशि में ही विशेषतर बुध का योग, यानी तीनों ग्रह आपके पराक्रम वाले भाव में उपस्थित होकर सुंदर युति बना रहे हैं और ये युति बड़ी अनुकूल है। बुध का तो ऐसा समझ लीजिए कि जिस राशि के साथ, जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है वैसा ही हो जाता है। शुक्र यहाँ पूर्ण विराजमान है, चंद्रमा यहाँ स्वयं शक्ति संपन्न है, तो आप यदि भगवान शिव की सुंदर आराधना करते हुए माँ चंद्रघंटा की आराधना करें, भगवान शिव का आशीर्वाद दें, दुर्गा जी को सिंदूर अर्पित करें तो देखिएगा वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। इसलिए जो यज्ञ चल रहा है उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, माँ भगवती दुर्गा जी का यज्ञ करें, शिव का आशीर्वाद मिलेगा, कनु मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। 9 तारीख के दिन मान लीजिए मंगलवार का दिन है और इस दिन एक विशेष योग बन रहा है, तृतीया तिथि वृद्धि की तरफ चली गई है, यानी कल पिछले दिन से बढ़कर आगे की तरफ चली गई है और साथ साथ 2 तृतीया हो गई हैं। ये पहले पिछले पक्ष में तिथियां घटी थी, इस तिथियां में पक्ष में बढ़ गई हैं और ये जो बढ़ना है ये एक तरह से दोषों को शमन करने वाला है। जो तिथि क्षय करने का दोष लगता है, यदि तिथि उसी पक्ष में, अगले पक्ष में बढ़ जाती है उसी मास के अंदर, तो वो कहा जाता है कि जो नुकसान हुआ था उसको पूरत करने का योग बना देता है। तो ऐसे में मंगल का जन्मदिवस अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है, चतुर्थी और मंगलवार एक साथ होने के कारण से बहुत सुंदर है। ऐसे में मंगल ग्रह आपकी राशि में 12वें भाव में चल रहे हैं और ये आपके लिए बहुत प्रबल राजयोग बना रहे हैं। यदि मंगल और प्रबल बना दें आप तो बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क सज सकते हैं, नए संपर्कों में इजाफा होने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें, हनुमान जी की सुंदर आराधना करें, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें, आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, आश्रम पर भी सुंदर कार्यक्रम रहेगा और आपको उसके लिए बहुत विशेष लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। 10 तारीख का अवसर, बुधवार की तिथि है और उस दिन पंचमी तिथि है और सुंदर योग बन रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि में जो विराजमान है चतुर्भाव में होकर, सिंह राशि के होकर, ये आपके लिए नई शक्ति का संपन्न करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मन और अंतःकरण आमने सामने आ गए हैं, ये प्रतिद्वंदिता उदय कर सकते हैं, तो उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो श्री गणेश की आराधना करें, गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, माँ कुष्मांडा की ध्यान करना और साथ साथ विशेष तौर पर माँ भगवती स्कंद माता की आराधना करके या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए सब प्रकार से शुभ रहेगा। देखिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा चमत्कार है जो समय की वास्तविक तौर पर चाल को आपको समझाने का प्रयास करता है और दैनिक गणित को देखकर, ज्योतिष के योगायोग को देखकर हम आपके समक्ष उन समस्त गणनाओं के माध्यम से आपके भविष्य फल को बताने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इन ग्रहों का योगायोग क्या कुछ हमारे जीवन में राशि के अनुसार से प्रवृत्ति बनाने का योग बना सकता है, किस प्रकार से कहाँ ग्रहों का उदय, कहाँ ग्रहों का अस्त, कहाँ ग्रहों का मार्गीपन, कहाँ ग्रहों का वक्र स्थिति जो है, जो भी ग्रहों का योगायोग विभिन्न युक्तियों के साथ बन रहा है उसका प्रभाव जीवन पर क्या पड़ेगा। गोचर के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो होता है वो हर व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, लेकिन उसका प्रभाव उस प्रकार से होता है कि जैसा उसकी मूल जन्मपत्री में जन्म के समय जो जलग्न इत्यादि है उसके प्रभाव से उस गोचर के मिश्रित प्रभाव को समझकर उसको हर व्यक्ति के जीवन में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है और ये भ्रांति स्वाभाविक है कि 12 राशियों के अनुसार से पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर दिया। अब ये समझें कि जिस प्रकार से 12 राशियों को एक मूल रूप से, लेकिन हर व्यक्ति उन प्रवृत्ति के रूप से हम समझने का व्यवस्थित बना सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं, तो आप समझें कि मूल जन्मपत्री सबसे विशेष है, लेकिन फिर भी राशि के अनुसार से गोचर का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अगर मूल जन्मपत्री के साथ जन्मपत्री के विषय को समझते हुए, व्यक्ति के प्रवृत्ति को समझते हुए, व्यक्ति के ग्रह योग जो भी उसकी कुंडली में बैठे हैं, चाहे राजयोग हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ योग हैं, उसको भी समझ कर यदि जातक को समझाने का प्रयास किया जाए, उसके जीवन को देखा जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष परिवर्तन का प्रतीक बना सकता है और लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। फिर भी गोचर का दृष्टिकोण से हम राशियों के अनुसार से जो प्रभाव आपको बता रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपना प्रभाव दिखाता है, और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि हजारों लोगों को जीवन में इससे लाभ भी होता है। तो आप किसी विचित्र विडंबना में ना फंसें, लोगों कहने में ना आए, ज्योतिष प्रत्यक्ष है। लाखों वर्षों से भारतीय संस्कृति और विभिन्न मानव संस्कृति ने इसका लाभ उठाया है। विभिन्न शोध भारतीय संस्कृति का चमत्कार है, जो समय को पहचानने में, समय को के अनुसार से व्यक्ति को कार्य करने की तरफ प्रेरित कर सकता है, सही समय का चुनाव कर सकता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमानी के द्वारा सही वक्त का चुनाव कर लेते हैं, सही वक्त को समझ लेते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं और जीवन में शुभ लाभ के योग बन जाते हैं, कल्याण के योग बन जाते हैं। आज व्यक्ति मॉडर्न वैज्ञानिकता की तरफ चल रहा है और उसको भी भविष्य जानने के लिए आधुनिक चीज़ों का उपयोग करता है। आप गूगल का उपयोग करते हैं, क्या आपको बताता है कि रास्ता आगे कहाँ जाम है, कहाँ नहीं जाम है, लेकिन फिर भी आप पहुँचते हैं तो कई बार वो गूगल भी गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसने साइंटिफिक पैरामीटर्स पे काम किया, एनालिसिस किया डाटा को, लेकिन फिर भी उसकी गणनाएं भी गलत हो जाती हैं। और आप समझें, जो भविष्य की दृष्टा है, क्योंकि भविष्य, ग्रहयोग, वर्तमान सब परिवर्तनशील है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्टैटिक है। सब कुछ परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सब कुछ आगे हर पल हर क्षण बदल रहा है, और वो बदलाव इतना तीव्र भी होता है और इतना क्षणिक भी होता है और इतना दीर्घ लंबा भी होता है कि जिसका कई बार परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण सामने आ जाता है और कई बार इतना स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तो आप समझें, ज्योतिष विज्ञान इसका मुझे एग्जाम्पल देने का, उदाहरण देने का केवल मतलब ये था कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। पूरे विश्व में भविष्य को जानने का, आगे वाली स्थिति को जानने की लालसा हमेशा रही है और ज्योतिष विज्ञान उस पर 100% सही बैठता है। मेरी गणना है, किसी ज्योतिषी की गणनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की गणना गलत नहीं हो सकती। और हमने अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने गुरुजन के माध्यम से सहयोग लेते हुए इस विज्ञान को अच्छे समझने का प्रयास किया, और मैं तो अभी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ। मैं तो अपने सही हर रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ बताता हूँ, कुछ अनुभव करता हूँ, और उसमें जब एनालिसिस आता है तो उसमें कुछ अगर त्रुटि रहती है तो उसको नित्य प्रति परिवर्तन की तरफ जाने का प्रयास करता हूँ और समझता हूँ, सीखता हूँ। और ये जब तक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी तब तक वो उस शास्त्र को नित्य प्रति चेंज की तरफ नहीं ले जाएगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का विकास भी इस प्रकार से हर व्यक्ति के अनुसार से हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी गणजन्म पत्रियाँ देखते हैं हर रोज और उनके अनुसार से उन सिद्धांतों को देखते हैं, लेकिन चमत्कार है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने इस परिवर्तन से, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाभ उठाते देखा है। अरबों लाखों लोगों ने इस विज्ञान का लाभ पता नहीं कितनी सदियों से लिया है। तो आप भी इसके साथ जुड़े, समझें, और आपके जो मन में प्रश्न चल रहे हो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को समाधान देने का प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े होते हैं, लाखों लोगों के प्रश्न आते हैं, और आप भी देखते होंगे चैनल्स पर लगातार जो कमेंट बॉक्स है उनके एक साथ कमेंट आ रहे होते हैं। तो हमने उसकी व्यवस्था बनाई है कि आप आश्रम पर संपर्क साध कर और विवेकानंद योग आश्रम से जुड़ सकते हैं, अपने निजी संपर्क को भी साध सकते हैं और यहाँ होने वाली विभिन्न गतिविधियों के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे इस आश्रम में हर समय कुछ ना कुछ नई गतिविधि चलती रहती हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ, माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ, विभिन्न ग्रहों का यज्ञ, विभिन्न मंत्रों का यज्ञ, विभिन्न विशेष तौर पर मंत्रों का यज्ञ, जो वैदिक मंत्र हैं महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का यज्ञ समय समय पर चलता रहता है, और उस सब का निमंत्रण हम आपको देते भी रहते हैं। अभी इसी समय में गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है, और ये गुप्त नवरात्रियाँ बहुत विशेष हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत हैं। और हमारे आश्रम पे तो माँ भगवती दुर्गा का जो चमत्कारिक शिव विग्रह अनादिकाल से सुंदर रूप से चमत्कारिक शिव विग्रह जो यहाँ उपस्थित है वो तो अद्भुत है, चमत्कार से परिपूर्ण है। लाखों लोगों ने उनके दर्शन कर अपनी मनोकामना सिद्ध करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर इन नवरात्रों के अवसर पर, गुप्त नवरात्रियों के अवसर पर गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चुपचाप उनके सानिध्य प्राप्त करें, उस यज्ञ में भाग लें, देखिएगा परिवर्तन का सुंदर योग बनेगा। यज्ञ में भाग लेने के लिए आप आश्रम की गतिविधि के साथ जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।